You're not feeling cold? Cold. तो गाइस यहाँ पे इंग्लिश के भरोसे बता रहा, अगर आपको इंग्लिश आती है इट्स ओके, इंग्लिश आती है दैट्स वेरी गुड, अपना काम चला लोगे, बट यहाँ की लोकल लैंग्वेज आना लाइक डच या फ्रेंच आना बहुत जरूरी है। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो गूगल कर रहा है। मी डोंट बिखरे यू, यू आर नॉट गेटिंग मी, मी नॉट फीलिंग कोल्ड, कोल्ड कोल्ड, यू नॉट फीलिंग कोल्ड, कोल्ड, या मैं इससे पूछ रहा हूँ भाई ठंड नहीं लग रही क्या, ये स्कूल समझ रहा बेचारा, इसकी गलती नहीं है बेचारे भाई। अरे यार, I mean, with what do you study? So कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, हिंदी don't know, it's normal, they don't know Hindi, they don't know even English as well. अरे what do you study? Are you a hotel? Are you Shesh? Hotel. What is the name from hotel? Ibis. Ibis. Yeah, Ibis. Ibis Hotel. Yeah. I think he's googling it. No. ये कॉलोनी देखिए आप, बहुत प्यारी ब्यूटीफुल कॉलोनी है और यहाँ लोग बाग ज्यादातर बिल्लियाँ पालते हैं, they are fond of petting the cats. तो ये बड़ा एक शेरू दिखा है, इसकी हल्दी बोर्ड को खास नहीं है और ये मैम ने हमारी हेल्प करी थी, फील दिखा that she helped us and वो हॉस्पिटेबल है यार यहाँ पे, ऐसा नहीं हर तरीके लोग हैं, हॉस्पिटेबल भी है, लेट मी टॉक टू देम ना, यू आर जस्ट ऑलवेज होल्डिंग मी, आइए हम आपको कॉलोनी दिखाते हैं और प्रोसेस, ओके बाय गाइस, बाय अववा अववा, आइए दिखाते हैं। तो भैया भयंकर वाली पूरा सन्नाटा, शांति, सेरेनिटी, कोई किसी को कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, जैसे इंडिया में होता ना यार कि बड़ा लेना देना होता है क्या चल रहा है सप्ताह, मेरे घर में क्या सब्जी बनी है क्या है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ मस्त यार, आप चाहे लंदन ले लो, चाहे आप पेरिस ले लो, चाहे आप नेदरलैंड्स ले लो, चाहे आप कुछ भी, सारे आपको ऐसा ही दिखेगा वापस, थोड़ा बहुत फ़र्क है इनके कल्चर के, थोड़ा बहुत होगा इनका, बाकी देखिए इन्होंने बैकयार्ड बना रखा है, बड़ी मुश्किल से दो लोग दिखे हैं मुझे यहाँ पे, है बहुत सुंदर, इट्स वेरी ब्यूटीफुल गाइस, गुड इवनिंग सर, बोसवा पानी, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, वाटर वाटर, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, कुछ नहीं समझते हैं यहाँ पे, इनको बोंजू बोलो या फिर बोसवा बोलो फ्रेंच लैंग्वेज में, तो थोड़ी बहुत फ्रेंच सीख क्या हो गाइस, लाइक आप कैसे हैं, हेल्प मांगनी हो जो रट रखे क्राइम कर लो थोड़ी बहुत फ्रेंच और फिर यू आर गुड टू गो। कॉलोनी है आउटस्कर्ट्स में यहाँ पे, हॉस्पिटेबल है, हम लोगों ने इनसे जस्ट पूछा कि मैम हमको पानी मिल सकता है यहाँ पे, कैन यू गो बिट फॉरवर्ड, आई मीन बिट फार, तो दैट लेडी गेव मी दिस वाटर बॉटल एंड आई मीन यार यू नो व्हाट, सी हमने होटल से यहाँ घूमने आए एंड शी गेव मी दिस अ ब्रांड न्यू वाटर बॉटल, राइट, हमारे इंडिया में भी होता है यार लेकिन यहाँ पे ना हर चीज बहुत एक्सपेंसिव है, आप यकीन नहीं मानोगे इसकी कीमत जो होगी, मैम हाउ मच डज इट कॉस्ट, इट्स 1.5 लीटर और ये कम से कम 15-20 यूरो की होगी, 15-20 यूरो का मतलब होता है आप 20 यूरो को मल्टीप्लाई कर लो 80 से, तो यानी 1600 की बॉटल होगी यहाँ पे, इजिली होगी इजिली, और इसे तो पूछो ही मत आप, और मैम थैंक यू वेरी मच,
give back to her. So, just.